बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप बाल से कर सकते हैं वशीकरण। जी हाँ, खुद के बाल से आप कर सकते हैं स्त्री वशीकरण। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आपका प्रेमी हो, आपका पति हो या फिर हो आपका देवर, आप किसी को भी आप अपने वश में करके अपने मन चाहे कार्य को अंजाम दे सकते हैं। आपको इसके लिए बस दो चीजों की जरूरत होगी, वो है सिंदूर और लौंग। लौंग आपको चाहिए, दो फूल लौंग आपको चाहिए, वो आप ले लीजिए। एक कागज पर आपको ये मंत्र लिखना होगा, मंत्र देख लीजिए। मंत्र है ओम नमो माँ कामाख्या देवी प्रेमिका सिद्धम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अगर आप लड़की हैं तो आप अपने प्रेमी का, अपने पति का या जिस भी व्यक्ति को, आप पुरुष को, जिस भी पुरुष को आप अपने वश में करना चाहते हैं, उस पुरुष का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आप अपनी प्रेमिका का, अपनी पत्नी का या फिर जो भी महिला है जिसे आप अपने वश में करके अपना काम सिद्ध करना चाहते हैं, आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। मंत्र एक बार ध्यान से सुन लीजिए। ओम नमो माँ कामाख्या देवी अमुकम सिद्धम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र आपको एक कागज पर लिखना है और अपने सामने इसे रख लेना है। अब आपको ये बालों का गुच्छा, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये बाल इस तरह से लेने हैं। ये उस महिला के बाल हैं जिसे, जो ये विधि कर रही है। अगर आप महिला हैं तो आप अपने खुद के बाल ले सकती हैं, और अगर पुरुष हैं तो आप अपने बालों को लेकर इस तरह से कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने ये जो उपाय है, ये एक व्यक्ति जिन्होंने हमें कॉल किया था, उनके कहने पर मैं इसे आपके लिए बना रही हूँ। तो मैं इसमें आपको बताती हूँ कि आप इसे किस तरह से कर सकते हैं। आपको प्रेमिका के, जहाँ पर आपने प्रेमिका या अपने प्रेमी का नाम लिखा है, आपको बाल को वहां पर रख देना है, और उसके बाद लौंग को अपने हाथ में लेना है, और उसके बाद आपको इस मंत्र को, जो ये मंत्र अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इस मंत्र का जाप करना है। ये हम भक्तों 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। इस लौंग को इस तरह से आपको पकड़ना है, इसमें आपको अपनी ये वाली उंगली जो है इसे नहीं टच करना है। इस तरह से इसे पकड़कर आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, और उसके बाद इस बाल को इस तरह से प्रेमिका अमुकम वाली जगह पर रख देना है। ध्यान से सुनिए भक्तों, इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद अपनी इस उंगली से, यानी जिस उंगली में, जिसे हम अनामिका उंगली भी कहते हैं, इस उंगली से आपको एक चुटकी सिंदूर निकालना है, और उसके बाद इस बाल के ऊपर इस तरह से डाल देना है। जी हाँ, एक चुटकी, फिर इस तरह से आपको दो चुटकी इसके ऊपर डालना है। जब आप दो चुटकी सिंदूर इसके ऊपर डाल देंगे, उसके बाद आप इसको पूरी तरह से अपने सामने रखिए, एकदम सामने, और लौंग को आपको इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। जी हाँ, ये लौंग और ये बाल दोनों ही अभिमंत्रित हैं। अब आपको इस कागज को इस तरह से मोड़ना है, और उसके बाद इसकी पुड़िया बना लेनी है। इस पर आपको फिर से 11 बार इसी मंत्र का जाप करना है। 11 बार इस मंत्र का जाप करके आपको इस पर फूंकना है, और उसके बाद आप इसे अपने बिस्तर के नीचे रखकर सो जाएं। जी हाँ, मैं आपको पूरा तरीका बताती हूँ कि आपको इसका उपयोग मंगलवार या फिर शनिवार के दिन करना है, और रात्रि को जब आप इसे करें, उसके बाद इसे बिस्तर के नीचे रखकर सो जाएं। अगली सुबह जब आप उठेंगे तो आप इसे निकालिए वहां से, और पीपल के पेड़ के नीचे जाना है आपको, वहां पर गड्ढा खोदकर आपको इसे वहां पर दबा देना है। भक्तों, पीछे पलटकर नहीं देखना है, आपका कार्य कुछ घंटों में हो जाएगा। जी हाँ, जिसे भी आपने वश में करने के लिए ये उपाय किया है, वो व्यक्ति, वो महिला आपके वश में आ जाएगी, और आपका कार्य तुरंत सिद्ध हो जाएगा। इसे आप कीजिए। कोई भी सवाल हो आपका, कोई भी संदेह हो आपके मन में, हमारे नंबर पर कॉल लगाइए, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। आज का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भक्तों।